करना है, बहुत लिमिटेड टाइम है मेरे पास, राजी करना है उसको। इस तरह से राजी करना है कि जब मेरी आंख खुले उगते सूरज के साथ मेरा भाग्य भी उदय हो जाए, हर सुबह मेरी गोली गिफ्ट से शुरू हो, कोई सुबह ऐसी ना जाए जब गोड की तरफ से मुझे गिफ्ट प्राप्त ना हो। और कभी तो उसने गिफ्ट बाकी है, तभी आज तक गायन है कि ये मेरे पास गोडली गिफ्ट है। अगर ना बांटता तो ये कहावत भी ना होती। तो हर सुबह उससे गोडली गिफ्ट लेनी है। आप खुलते ही कुछ ना कुछ वरदान ले लीजिए, कुछ ना कुछ ड्रेसिंग ले लीजिए, दुआएं ले लीजिए, कुछ ना कुछ उसका प्रेम हासिल कर लीजिए, उसके रहस्य जान लीजिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट हो जाएगी सदा के लिए। परंतु उससे पहले मुझे उससे प्रसन्न करना है, बस। वो इजीली प्रसन्न नहीं होता, पिता तो हो जाता है, माता भी हो जाती है, उसको प्रसन्न करने के लिए उसके दिल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब अगर मुझे किसी को प्रसन्न करना है, राजी करना है, तो मैं दो बात का विशेष ध्यान रखती हूँ, इसे पसंद क्या है और नापसंद क्या। जो पसंद है वो मैं बार बार करूंगी और जो नापसंद है वो बिल्कुल नहीं करूंगी। अब मुझे ये देखना है कि परम सदगुरु को पसंद क्या है, क्या पसंद है उसको जी। अति प्रिय, उसका फेवरेट, सच्चाई, सफाई। और क्या पसंद है परम सदगुरु को? पवित्रता पसंद है। और जी समर्पण पसंद है। और बताइए, दिल का प्यार पसंद है। और क्या पसंद है? भगवान के संबंध में, जो परम सदगुरु के संबंध में आता है, भक्ति मार्ग में भी वो परंपरा चालू है और ज्ञान मार्ग में भी चालू है, जो उसे अति पसंद है। दृष्टि और आज भी चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण परिवार में वो रीति रिवाज, वो परंपरा आज भी चालू है, उसको प्रसन्न कर देने के लिए। बताइए, भोग परम सदगुरु को विशेष गुरुवार का भोग बहुत पसंद है, अति प्रिय है उसको, उसका फेवरेट है वो।